ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, आई थिंक इनके बच्चे बाहर ही पढ़ने चले जाते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश ही फिल्में देखते हैं, और मतलब यही है, काटे चूरी के साथ ही खाते हैं, यू नो डर्टी इंडिया. जब मैं इंडिया वापस आया, जो मुझे वहाँ के लोगों ने ऐसे देखा, तो जब आप ऐसे बात करते हैं, तो कहाँ से आपको देश में क्या हो रहा है क्या पता चलेगा आपको? उनके मतलब वो लोग देखने में भी अजीब से ऐसे लगते हैं, उबले हुए अंडे, तो मतलब जो उनके पूरा लुक चेंज हो गया, तो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. आई डोंट मीन टू ट्रोल एनीवन, लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. आप देखिए पुष्पा में वो कैरेक्टर कितना अपना लगता है देखने में, है ना, एक आज एक लेबरर जो है उनसे उनसे कनेक्ट करता है. हमारा कौन सा हीरो है जो एक मजदूर लग सकता है आज के टाइम पे? नहीं लग सकते, वो लग ही नहीं सकते वो मजदूर. तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो उनका जो एक ग्राउंडेड नेचर है, वो आज उनको पे ऑफ कर रहा है. एंड आई होप वो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय लोगों से ना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएं और उसी तरह की पूरी वो करें ना. सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है अपने देश में कनेक्टेड रहना लोगों से.